खबर मंदसौर जिले के गरोड़ से। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने गरोड़ डिवीजन का घेराव किया। सोमवार 21 फरवरी को दोपहर कांग्रेस नेताओं सहित किसानों में रोष जताया। तत्काल निराकरण के पश्चात लौटे बिजली कंपनी की गरोड़ डिवीजन के चंदवासा क्षेत्र में दो दिनों से लाइट बंद के मामले को लेकर के कांग्रेस नेता राजेश पाटीदार और किसानों के साथ गरोड़ विद्युत डिवीजन में अपनी समस्याओं को लेकर के कार्यालय पहुंचे एवं लापरवाही के आरोप लगाए। बिजली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर चंदवासा क्षेत्र के गाक्सी क्षेत्र में किसानों की समस्याएं एवं वर्तमान में परीक्षा के समय बिजली कटौती पर आक्रोशित होकर के रोष जताया। बिजली कंपनी के अधिकारी कालूराम व्यास द्वारा बिजली कटौती को लेकर के मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए समस्या वाले क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाई एवं जिनकी लापरवाही उनके खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। घटना स्थल पर अचानक मधुमक्खी ने हमला कर दिया जिसमें कुछ किसान घायल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी हरिकिशन चौधरी सहित किसान कालूराम राधेश्याम उम्र 30 वर्ष असावधी, चैन सिंह बापचा 23 वर्ष, उमंग सिंह, गोपाल सिंह पुत्र बाबू सिंह, प्रभु सिंह बापचा व प्रेम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह बापचा घायल हो गए, जिनका शासकीय चिकित्सालय में उपचार किया गया। दो गंभीर घायल जिनका लंबे समय तक उपचार चला, सभी का उपचार के समय राकेश पाटीदार, संग्राम सिंह चंद्रावत, रविंद्र पाटीदार सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसान उपस्थित रहे। गरोड़ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। समस्या के लिए आए थे और क्या समस्या, क्या निराकरण किया गया है? पिछले दो दिनों से चंदवासा क्षेत्र में जो घाक्सी ग्रिड पे लगातार विद्युत बंद हो रही थी, जिसमें किसान अभी शादी का समय चल रहा है, बच्चों के पढ़ाई का समय चल रहा है, इरिगेशन का समय चल रहा है, ऐसे समय में किसानों की पाइपलाइनें नदी और तालाब से है, तो ऐसे समय में रात को बिना सूचना के लाइट बंद कर देना, जिससे किसान और शादी ब्याह वाले सारे परेशान थे, बच्चे, तो वहाँ पे स्थानीय सरपंच साहब और जब लोग शिकायत करने पहुँचे तो बिना वजह से ग्रिड से, घाक्सी ग्रिड से पूरे क्षेत्र की लाइट बंद थी। तो जब वहाँ किसान जागरूक हुए और चंदवासा ग्रिड पे पहुँचे तब जाके वो लाइट चालू हुई। तो हम सब लोग डी साहब के यहाँ शिकायत करने आए थे कि भाई जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उस पर सारे किसानों के सामने डी साहब ने आश्वासन दिया कि आगे के बाद न तो रात में बिना सूचना के विद्युत बंद होगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।